हमारे साथ विजय कुमार हैं, इन्होंने पिछले साल चुनाव लड़ा था एवीपी की तरफ से। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस साल आपके चुनाव में क्या तैयारी है और आपका दावा किस तरीके से है इस चुनाव में। देखिए, सबसे पहली बात, जो वर्तमान जेएनयू है और पिछले जो कई सालों से रहा है वो लेफ्ट लेफ्ट जेएनयू रहा है, वो उनका कंप्लीट फेलियर है। और जो जेएनयू के आम छात्र छात्राएं हैं उनको पता है। तो इस बार का जो चुनाव है वो विकास वर्सेस प्रोपेगेंडा का है। पिछले कई सालों से जेएनयू के आम छात्रों को डरा के धमका के कि तुम आ जाओ वोट करो नहीं तो एपी आ जाएगी, संघीय फासिस्ट लोग आ जाएंगे, लोगों को, छात्रों को, छात्राओं को, छात्राओं को बरगला के इन्होंने वोट लिया है और कुछ नहीं किया। इनका अगर अचीवमेंट पे नाम पे देखें तो इनका जीरो अचीवमेंट है। इनका अचीवमेंट है सीट कट, इनका अचीवमेंट है 100% वाइवा और इनका अचीवमेंट है सोशल जस्टिस और जनरल जस्टिस का मर्डर। जैसे इन्होंने कोर्ट में जाके यूजीसी को पार्टी ना बना के जीएनयू को पार्टी बनाया और कैसे जो जेंडर जो डिप्रेशन पॉइंट होता था, 5 पॉइंट मिलता था पहले छात्राओं को, वो छात्राओं को जो 5 पॉइंट वो ख़त्म किया है। तो ये सीधे सीधे जो जेंडर जस्टिस की अपने आप बताते हैं कि हम जेंडर जस्टिस के मसीह है, जेंडर जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने जेंडर जस्टिस का मर्डर किया है। इसी तरह ये बात बोलते हैं सोशल, ये अपने आप को बताते हैं कि हम सोशल जस्टिस के मसीह है, हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे वास्तविकता ये है, जो इनका वकील अरविंद निगम कोर्ट में ये दलील देता है कि यूजीसी गजट नोटिफिकेशन में कहीं से भी ये नहीं दिखाया हुआ, ये मेंशन नहीं किया गया है कि हम जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट में क्वार्टाइल पॉइंट्स दें। ये जिरह करके, ये आर्गुमेंट देके जेएनयू अपने मन से बिना ये यूजीसी के द्वारा दिए गए रेगुलेशन के ये प्रोविज़न रख रखा है। तो ये इसका नतीजा ये निकलता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसका जजमेंट आता है, उसमें बोला जाता है कि आपको इन टोटो यूजीसी गजट नोटिफिकेशन को फॉलो करना है। ये समझना पड़ेगा कि यूजीसी बनी कैसे, अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 उसका काम है यूनिवर्सिटीज़ के लिए नियम कानून बनाना, फंड प्रोवाइड करना। तो ये तो सबसे पहली गलती इनकी रही, शायद इनकी सोच समझ साजिश रही हो। इसके थोड़ा मैं बैकग्राउंड में बताता हूँ कि सबसे पहले जब ये यूजीसी गजट नोटिफिकेशन लागू हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 दिन के हंगस्ट स्ट्राइक पे बैठी है और प्रशासन को झुकना पड़ता है। झुकते हुए जो वाइवा बॉयज़ का वेटेज है 30 से 20 किया जाता है और प्रशासन ये आश्वासन देती है कि हम इस यूजीसी गजट नोटिफिकेशन को हम फेज मैनर में लागू करेंगे। जैसे मान लो मैं यूएस सेंटर में हूँ, हमारे सेंटर में टीचर स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से -12 है अगर, तो एक बार में अगर इस यूजीसी गजट नोटिफिकेशन को लागू करेंगे तो सीट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो प्रशासन से हमारी बात बन गई थी, इसको 4 फेज में करेंगे तो 9 सीट लाएंगे, फिर 9 सीट लाएंगे, फिर 9 सीट लाएंगे, फिर 9 सीट लाएंगे। तो 4 बार 9 सीट लाएंगे तो 0 सीट भी नहीं होगा, सीट भी आएगा और 4 साल में ये जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जीत हुई, ये वायव के बेटेज हमने कम किया। इन लोगों को लगा कि आम जेएनयू के आम छात्र के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं तो झूठी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट गए और कोर्ट में जाके जानबूझ के इनके वकील ने जो वहाँ पे दलील पेश की जिसके तहत जेंडर डिविजन पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का पॉइंट और वायु वैस को 100% करवाया गया है, ये उनकी जीत है। और एपी के इस संघर्ष को इनको नकारना था, झुटलाना था, तो जानबूझ कोर्ट जाके इन्होंने ये बात करके वो किया। और जेएनयू के आम छात्र छात्रा इस बात को जानती है, जो आज आपको ये जुलूस दिख रहा है, लेफ्ट के जुलूस में हार्डली 300 लोग थे, यहाँ 550 लोग थे। तो ये दिख रहा हूँ 3 लेफ्ट के 3 संगठन 3 प्रमुख संगठन मिला के मात्र 300-350 लोग इकट्ठा कर पा रहे हैं। यहाँ एवीपी के साथ कॉमन छात्र जुड़े हैं 550 की संख्या में आज के जुलूस में हम आए हैं। भैया, हम ये जानना चाहते हैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं इस चीज़ के लिए, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप यूनियन में आते हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, तो आप जेएनयू के लिए क्या क्या मुख्य 4-5 बातें करना चाहते हैं? बिल्कुल संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखने से पहले जब 2014 में हमने चुनाव लड़ा था तो हमने फेलोशिप की मांग उठाई थी। हमने छात्रों से को विश्वास दिलाया था कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम जो जीआरएफ एसआरएफ है बढ़वाएंगे। हम जीत नहीं पाए फिर भी हमने अपने संघर्षों के कारण जीआरएफ एसआरएफ को 15,000 से 25,000 करवाया, जीआरएफ 25,000, एसआरएफ 28,000। लास्ट ईयर 2015-16 में मैं खुद काउंसिल जीता था एसआईए से, सौरभ शर्मा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी जीत के आए थे, बस एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हमने जीता। हमने इस पूरे कैंपस को, मैं बता रहा हूँ, पूरे कैंपस को हमने वाईफाई करवाया। एक हॉस्टल का शिलान्यास हुआ, बड़ा हॉस्टल का। तो हम जब भी आए हैं हमने काम किया है। इस बार हमारा मुख्य काम होगा एमसीएम को बढ़वाना, नॉन नेट फेलोशिप को बढ़ाना, हॉस्टल को बनवाना, कैंपस में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, हॉस्टल को अपग्रेड करना, बेटर सैनिटेशन हो, लाइब्रेरी को अपग्रेड करना, अलग रीजनल लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हो, ये हमारी प्रमुख जो मुख्य एजेंडाज में होगा ये, और हम करेंगे। हमारा
जब भी हम रहे हैं हमने जेएनयू में काम किया है, चाहे आपका ये हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन हो, चाहे ये रेलवे रिजर्वेशन काउंटर हो। पहले छात्रों को सऊदी अरब जाना पड़ता टिकट काटने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत का 2000 में तो हमने रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुलवाया। ये आपको जो सामने माही मांडी हॉस्टल दिख रहा है, ताप्ती हॉस्टल दिख रहा है, अभी विद्यार्थी परिषद जीत का थी तब बनाया गया था। तो हमारा सिंगल एक एजेंडा है, हमारा एजेंडा है कैंपस में विकास करना, उनका बस एक एजेंडा है को रोकना, इसलिए ट्रिपल अलायंस में अनहोली अलायंस है वो टिकेगा भी नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद विजय। ये थे हमारे साथ एयूपी के विजय कुमार। मेरे साथ जहानवी ओझा हैं जिन्होंने 2016 में एवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। मैं बहुत संक्षिप्त में जहानवी जी जानना चाहता हूं कि इस साल जेएनयू के छात्र आपको क्यों वोट दें, एवीपी को क्यों वोट करें? जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले साल इनका जो जेएनयू एसयू में जब ये आए इनके चारों सीट पर लेफ्टिस्ट ही थे, पर पूरे साल इनका अगर कहा जाए कि प्रोडक्टिविटी क्या रही, क्या आपने कैंपस को दिया, तो सिवाय झूठे थोतले वादों के, सीरिया फिलिस्तीन की बातों के अलावा कैंपस के इश्यूज कुछ भी नहीं रहे। और आज कैंपस का छात्र जान चुका है कि रियल इश्यूज पे कौन बात कर रहा है। अगर हमारा छोटा वाला पैम्पलेट भी देखें तो हमारे जो हम एजेंडा से बात कर रहे हैं और इनके सिंपल पैम्पलेट जो पिछले साल से आज तक वही चल रहा है कि एबीवीपी को नहीं आने देना, तो हम कैंपस के एजेंडा से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वाईफाई होना चाहिए, हम कह रहे हैं रोड अच्छे होने चाहिए, हम कह रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक फंक्शनल कैंपस प्लेसमेंट सेल तक नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इनको मल्टीनेशनल कंपनी से प्रॉब्लम है, लेफ्टिस्टों को मल्टीनेशनल कंपनी से प्रॉब्लम है, तो इन्होंने बच्चों पर रूल लगा दिया कि तुम ये नौकरी नहीं कर सकते, जब ये खुद बाहर जाके वहीं नौकरी करते हैं, तो ये शेमफुल है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं कैंपस के जो हम रेस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे हैं कि एक नेगेटिव कैंपेनिंग क्या होती है और एक पॉजिटिव कैंपेनिंग क्या होती है, वो इसका अंतर समझ रहे हैं। पिछले साल इनका 2 का अलायंस था, इस बार 3 है, अगले साल 4 होगा, उसके अगले साल 5 होगा, ये धीरे धीरे खत्म होने की राह पर है। अच्छा, एक इस चुनावी राजनीति से अलग एक हम जेएनयू कैंपस को लेकर एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। भाजपा के कुछ लीडर यहाँ के कैंपस की लड़कियों के बारे में कुछ आपत्तिजनक बयान देते हैं, क्या आप उनके बयान से सहमत हैं या आपको लगता है? मैं इस चीज़ को सीरियसली कंडेम करती हूँ और ये किसी भी सेंसिबल इंसान इसे किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको कंडोम नहीं कर सकता। मतलब कहीं से भी कोई भी उठ करके एक घटिया बात एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी के बारे में कह देता है, ना जानते हुए ना पहचानते हुए, हम इसको सीरियसली कंडेम करते हैं। और मैं इसको ये भी इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट ओनली अ पर्टिकुलर मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग अबाउट दिस, दिस इज़ द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, दिस इज़ द पैट्रियार्कल सोसाइटी, दिस मिनिस्टर्स आर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी। ये ऐसा नहीं उस मिनिस्टर की बुद्धि है, ये हमारे समाज का ही ये प्रॉब्लम है। तो इस ये एक मिनिस्टर को सुधारने से नहीं, ये पूरे समाज में बदलाव लाना होगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। धन्यवाद जाह्नवी। ये थी हमारे साथ एवीपी से पिछले साल प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुकी जहानवी ओझा। धन्यवाद। रोलिंग। तो इस वक्त हम हैं एबीवीपी के मशाल जुलूस में। जैसा कि हमने बताया, मशाल जुलूस जो है यहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका होता है, उन्हीं में ही हमको एक समर्थक मिले हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र मिश्र है और प्रेसिडेंट के लिए मैंने भी ड्रा किया था, लेकिन निधि जी मेरी क्लासमेट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरी जूनियर रही हैं जी, तो मैंने उनको पूरा अपना समर्थन दिया, सभी समर्थकों के साथ। अच्छा, तो यानी कि आपको बहुत खुशी है कि ये महिला जी को? हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस कैंपस में निधि त्रिपाठी एक राष्ट्र शक्ति के रूप में उभरें और संपूर्ण विश्व को एक नया मैसेज दें कि क्योंकि एक छात्रा का प्रेसिडेंट होना इस कैंपस में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ये बताइए, लेफ्ट यूनिटी से आप कितना ज़्यादा वो मैं हालांकि देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा आपको जो है स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जो कि हम देख सकते हैं पिछली बार से ज़्यादा ही दिख रही है, तो आप कितना कामयाब मान रहे हैं एबीवीपी को इस बार और किन मुद्दों पर जो है ये आगे बढ़ रही है? इस बार ऐसा रहा है कि यहाँ का जब भी लेफ्ट यूनियन रहा है, लेफ्ट यूनियन इजराइल फिलिस्तीन का हमेशा बात करता रहा है, बाहरी मुद्दों पे बात करता रहा है, लेकिन जो लेफ्ट यूनिटी यहाँ पर रही है, लेफ्ट यूनिटी कभी भी जेएनयू के जो जेन्यून इशूज हैं उस पर कभी भी बात नहीं की है, पीएच के इशू पर कभी बात नहीं की, एबीवीपी हमेशा पीएच के साथ खड़ा है। मैं जो पीएच स्टूडेंट होते हुए मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जेएनयू विजन फोरम का कन्वीनर भी हूँ, और लेफ्ट यूनिटी ने कभी पीएच के लिए कुछ नहीं किया। जेएनयू का जो एबीपी है हमेशा स्टूडेंट का जो कॉमन इश्यूज है उसके लिए हमेशा रहा है, राष्ट्रवादियों के लिए रहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए हमेशा रहा है। अच्छा सर, ये वैसे तो खैर किसी का जो अपीयरेंस है, जो कपड़े पहनने का तरीका है, वो उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी आप अपनी इस अपीयरेंस के बारे में कुछ प्रकाश डालें। इसका मेन रीज़न है कि इस कैंपस में यदि आप टीका लगा कर जाते हैं तो आपको लोग नेगोशिएट करते हैं, आपका लोग अपमान करते हैं, आप यदि धागा पहन कर जाते हैं तो आप वाकई अपमान करते हैं। हाँ,
इस कैंपस में माता काली की नंगी तस्वीर AISF जिसका सपोर्टर कन्हैया है SL2 में लगी हुई है। इस कैंपस में माँ दुर्गा को लेफ्टिस्टों ने एज ए प्रोस्टिट्यूट बोला है, लेकिन उसका यही है कि इस कैंपस से जब जालीदार टोपी पहन के जाते हैं तो आपका सम्मान होता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि हम भगवा ध्वज भगवा ड्रेस पहन के जाते हैं या टीका चंदन लगा के जाते हैं तो यह भी भारतीय संविधान मुझे राइट देता है कि मैं कुछ भी पहनूं, मैं कुछ भी खाऊं, तो मैं इसलिए इसको पहना हूं, मैं तो पूरा भगवा ध्वज पहनता हूं। आप 6 दिसंबर को देखिएगा सारी चीज़ें जी। हाँ। तो ये थे हमारे साथ ABVP के एक समर्थक, योगी जी भी बोलते हैं तो यहाँ इनको लोग योगी जी भी बोलते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ABVP के जुलूस के साथ, अच्छा खासा जनाधार देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सर।